हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान। दोस्तों, अगर आप सऊदी से मोबाइल फ़ोन इंडिया में लेके जाते हैं तो एक ज़रूरी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, आप सऊदी से मोबाइल फ़ोन इंडिया में लेके गए और वहाँ पे जियो का सिम कार्ड डाल दिए उस मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों, अगर आप जो सऊदी का मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं और उसमें जियो का सिम कार्ड डालते हैं, तो उस मोबाइल से आप बस इंटरनेट ही चला सकते हैं जियो का। अगर आप जियो से लोकल चाहे स्टडी कॉल करना चाहते हैं तो नहीं होगा, लोकल चाहे स्टडी फ़ोन करना चाहते हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 3 महीना पहले मेरा दोस्त ये मोबाइल फ़ोन सऊदी से ले गया था इंडिया में और इसमें जियो का सिम कार्ड डाला। तो दोस्तों, डालने के बाद दोस्तों इंटरनेट चालू किया तो इंटरनेट तो चालू हो गया, और जैसे जियो से लोकल चाहे स्टडी फ़ोन किया तो नहीं हुआ। फिर मोबाइल के दुकान में गया, वहाँ पे बोला मैं ये सऊदी से मोबाइल फ़ोन लेके आया हूँ और इसमें जियो का सिम कार्ड डाला हूँ और इससे इंटरनेट तो जियो का चलता है और लोकल चाहे स्टडी नहीं बात हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो दुकानदार वाला बोला, भाई आपको इस मोबाइल फ़ोन में जो सऊदी से लेके आए हैं इसमें एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा और कम से कम 1200 रुपया लगेगा और 2 दिन मोबाइल रखेंगे फिर आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, 2 दिन क्यों बोला, 2 दिन के बाद रखेंगे आप अपना मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन दुकानदार जियो के ऑफिस में भेजेगा, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डालेगा जियो का तरफ से, फिर उसके बाद आपका लोकल चाहे स्टडी कॉल बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 1200 रुपया देने के बाद। दोस्तों, फिर आपका लोकल चाहे स्टडी बात कर सकते हैं जो सऊदी का मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं। दोस्तों, हाँ, अगर आप जो सऊदी का मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं उसमें एयरटेल जियो को छोड़ के एयरटेल वोडाफोन आइडिया BSNL जो भी आप सिम कार्ड डालते हैं जो सऊदी का मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं उसमें आप इंटरनेट भी चला सकते हैं और लोकल चाहे स्टडी बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जियो का सिम कार्ड डालेंगे तो फिर आपका जो मैं बताया ये प्रॉब्लम आएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।